एनएफआर या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। कुछ रिक्वायरमेंट फंक्शनल होती है, कुछ रिक्वायरमेंट नॉन फंक्शनल होती है। सॉफ्टवेयर में या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको बनाना क्या है, तो यूजर बताएगा आपको। तो कई सारे ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, जरूरतें होती है जो उत्तर देती है व्हाट द सिस्टम शुड डू। सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करेगा, उसमें प्रोडक्ट के फीचर होंगे, यानी उसमें क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या आपको एक्शन, क्या क्या क्रिया डालनी है, वो यूजर रिक्वायरमेंट से निकल के आएंगे। और कई सारे होते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। दो तरीके के रिक्वायरमेंट होते हैं, फंक्शनल नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल का मतलब ये होता है कि ये जो काम कर रहा है ये कैसे कर रहा है, कहने का मतलब कितनी देर में कर रहा है, क्या सही कर रहा है, गलत कर रहा है, क्या परफॉर्मेंस इसमें वो है वैसा है, क्या सिक्योरिटी इसमें ऐसी है, क्या इसमें यूजबिलिटी है कि नहीं, यूजर यूज करे तो मजा आ जाए उसको। तो यूजर की जो एक्सपेक्टेशन है ना, प्रोडक्ट का फीचर क्या क्या उसमें आपने डाल दिया है, इंप्लीमेंट कर दिया, वो तो आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आएगा। लेकिन जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर अंतर्निहित जो जो चीज है, क्योंकि जो चीज हो रही है वो कैसे हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, हमारी जो जरूरतें हैं वो इम्प्लिसिट जो जरूरतें हैं वो हुई है कि नहीं पूरी, इसमें इसको हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो एनएफआर वो क्वालिटी एट्रीब्यूट भी हो सकता है, जैसे मैंने क्वालिटी बताया, यूजबिलिटी हो गया, या आप कहें कि सिक्योरिटी हो गई, परफॉर्मेंस हो गया, ये सारी की सारी, ये मेंटेनेबिलिटी हो गई, ये सारी क्वालिटी में आती है। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, कितना अच्छा सॉफ्टवेयर है। या परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट हो सकता है कि भाई इतने देर में ये काम करेगा, जैसे मान लीजिए आप कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, फाइल ट्रांसफर मान लीजिए 5 मिनट ले रहा है आपका, और इंडस्ट्री में यही फाइल ट्रांसफर मान लीजिए 30 सेकंड में हो जाता है, किसी कोई मान लीजिए 1 GB का ले लीजिए, तो ये परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट हो गया। सिक्योरिटी एट्रीब्यूट, जैसे मैंने आपको यहां भी दर्ज किया कि हर एक सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी मांगता है, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन मांगता ही मांगता है। अगर वो ऐसी जगह यूज हो रहा है जहां पर सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, तो वहां सिक्योरिटी एट्रीब्यूट लगेगा। या फिर कोई जनरल कंस्ट्रेंट है सिस्टम पे, यानी आपने कहा कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए, वो उसको आप कंस्ट्रेंट कह सकते हैं, रुकावट कह सकते हैं, या बाउंड्री कह सकते हैं। तो यहां पर देखिए, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, या फिर हम लोग सोचते हैं कि यूजर हमारे पास आया, उसने हमें रिक्वायरमेंट बता दी, हमने फटाफट फटाफट उसको इंप्लीमेंट कर दिया, इसके हम फंक्शनैलिटी बना लिया, हमने वो जो जो चाहता था हमने इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर वो अच्छा यूज करने में अच्छा नहीं है, सिक्योरिटी नहीं दी है, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उसको बहुत सारे उसमें बग्स हैं, या बहुत सारी चीजें उसमें देख सकते हैं, अगर वैसे नहीं है तो कितने आपने सारी फंक्शनैलिटी पूरी भी कर दी लेकिन फिर भी वो अनयूजेबल रहेगा, मतलब उसको यूज करने का कोई फायदा तो रहेगा नहीं, है ना। तो क्वालिटी फंक्शनल डिप्लॉयमेंट, जो मैं आगे भी बात करूंगा, ये एक तरीका हो सकता है जिसमें यूजर की रिक्वायरमेंट को सीधा हम, मतलब जो कस्टमर बोलता है उसको हम रिक्वायरमेंट में चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो अनस्पोकन कस्टमर नीड है, कई चीजें यूजर बोलता ही नहीं है, बताता ही नहीं है, उसको अगर आप रिक्वायरमेंट बना दें या तब्दील कर दें, उसको हम QFD कहते हैं, उसकी चर्चा में बाद में करूंगा। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इसको हम अलग से नॉर्मली दर्ज करते हैं, जो आपने इंडस्ट्री में भी सुना होगा SRS होता है, इसके अलग अलग नाम मैं बताऊंगा आपको, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS, इसमें इन सब रिक्वायरमेंट को दर्ज किया जाता है। इसका मैं आपको वो दिखा चुका हूं कैसे ये बनाया जाता है, इसके कंटेंट भी दिखा चुका हूं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमने जैसे QFD का यूज किया, अब QFD का जब यूज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि जो अनस्पोकन रिक्वायरमेंट है, यूजर कुछ कई चीजें बोलता ही नहीं है, यूजर आएगा और कई चीजें वो बोलेगा कि ये तो ऑब्वियस चीज है, इसको मैं क्या बताऊं, तो वो उसके साथ हमारे हम और भी चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे एक टू फेज अप्रोच आपको बताता हूं कैसे हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को पता करेंगे। देखिए, पहले फेज में हम क्या करेंगे, कुछ गाइडलाइंस बनाएंगे। गाइडलाइंस क्या क्या हो सकती है, गाइडलाइंस हो सकती है जैसे कौन सी हम प्रैक्टिस अच्छी वाली यूज करेंगे, कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल यूज करेंगे, कौन से पैटर्न्स यूज करेंगे, तो हमने गाइडलाइन तय कर दी। उसके बाद हम NFR डिसाइड करेंगे कि भाई हम यूजिबिलिटी, कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो यूजिबिलिटी एड्रेस कर रही है, कौन सी रिक्वायरमेंट टेस्टेबिलिटी कर रही है, कौन सी रिक्वायरमेंट जो सिक्योरिटी कर रही है। तो रिक्वायरमेंट ये आपकी NFR से होगी, बेसिकली रिक्वायरमेंट होगी, वो हम बना लेंगे एक लिस्ट। अब जो एक टेबल बनाएंगे NFR का, उसको देखिए ऐसे बनाएंगे हम टेबल, एक आइडिया मैंने यहां देने की कोशिश की है। तो इस टेबल में हम क्या करेंगे, जो कॉलम लेबल्स हैं उसमें हम NFR लगाएंगे, यानी जो कॉलम है इसमें NFR लगाएंगे। NFR का मतलब ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट 1 हो गई, ये रिक्वायरमेंट 2 हो गई, ये रिक्वायरमेंट 3 हो गई, हो सकता है रिक्वायरमेंट आपकी टेस्टेबिलिटी से रिलेटेड हो, ये हो सकता है रिक्वायरमेंट आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, ये हो सकता है। अब हमारी जो कॉलम होंगी उसमें गाइडलाइंस है हमारी, ये हमारी गाइडलाइन 1 है, ये गाइडलाइन 2 है, ये गाइडलाइन 3 है। गाइडलाइन 1 जो हो सकती है वो कौन सी प्रैक्टिस आप यूज करना चाहते हैं,
गाइडलाइन टू हो सकती है, कौन सा आर्किटेक्चर आप स्टाइल यूज करना चाहते हैं, कौन सा पैटर्न आप यूज करेंगे, गाइडलाइन थ्री हो सकती है, जैसा टेबल बन गया। अभी एक रिलेशनशिप मैट्रिक्स बन गई। यहां पर क्या होगा, हर एक गाइडलाइन को हम दूसरे के साथ चेक करेंगे, यानी का मतलब हम गाइडलाइन वन को गाइडलाइन टू के साथ चेक करेंगे इस रिक्वायरमेंट के लिए, हम गाइडलाइन वन को गाइडलाइन थ्री के साथ चेक करेंगे इस रिक्वायरमेंट के लिए, ये हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इस गाइड ये रिक्वायरमेंट दो हो गई तो हम इस गाइडलाइन को इस गाइडलाइन के साथ चेक करेंगे इस रिक्वायरमेंट के लिए, फिर हम इस गाइडलाइन को इस गाइडलाइन के चेक करेंगे इस रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है जी, ये हम चेक करेंगे। मतलब इन दोनों को हम चेक करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि भाई कौन से रिक्वायरमेंट हमने इसमें तय किए, क्लियर हो गया। अब ये जो हमने तय किया कि ये गाइडलाइन इस रिक्वायरमेंट के लिए, ये दोनों जो गाइडलाइन है जो हमने तय किया या फिर जो भी हमने तरीका सोचा है सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, तो हमने ये देखा ये जो गाइडलाइन वन और गाइडलाइन टू इस रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इस रिक्वायरमेंट के लिए आर वन के लिए गाइडलाइन वन और गाइडलाइन टू इसकी बात कर लेते हैं। हो सकता है ये दोनों बिल्कुल सेम बात कह रही हो, दोनों एक ही चीज कह रही हो, इसका मतलब ये ओवरलैपिंग है, अगर सेम बात कह रही है तो हम ओवरलैपिंग कहेंगे। हो सकता है कि ये जो कह रही हो इसका बिल्कुल उल्टा गाइडलाइन टू कह रही हो, इसको हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्टिंग। हो सकता है गाइडलाइन वन गाइडलाइन टू बिल्कुल अलग बात कह रही है, दोनों अलग ही भिन्न भिन्न बात कर रही है, उसको हम कहेंगे ये दोनों इंडिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के तहत। तो यहां पर हमने क्या किया कि जो सेकंड फेज में हम करेंगे कि हम टीम जो है वो प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सा हमारा जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कैसे प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे, इसके लिए वो एक सेट बनाएंगे, होमोजीनियस सेट। तो NFR मान लीजिए ये NFR है, मतलब रिक्वायरमेंट ये R1 R2 R3 ऐसे करके रिक्वायरमेंट से बहुत सारी रिक्वायरमेंट होगी RN। तो हमने क्या किया, एक सेट इसका बना लिया, ऐसी RN-1 इसका एक सेट बना लिया, हमने सेट बना लिया इसका, ठीक है, होमोजीनियस सेट बना लिया NFR का। अब यहां पर हमने डिसीजन रूल लगा के बनाया है कि भाई इसके लिए कौन सी गाइडलाइन इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी और कौन सी गाइडलाइन हमको इंप्लीमेंट नहीं करनी, ठीक है, ये समझ गया जो मैंने कार्रवाई बताई आपको, यही यहां पर काम हो रहा है।